हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन आल्सो लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ अपडेट लेकर आया हूँ और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, नीट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये मेरे पास न्यूज़ आर्टिकल है। इसके अकॉर्डिंग अनंतपुर मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश में सीट बढ़ने वाली है। दो सीट कितनी बढ़ने वाली हैं, कौन सा कॉलेज है और क्या क्या फैसिलिटी उस कॉलेज में मिलने वाली है, तो मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपडेटेड है 20 जनवरी 2019 को, यानी कि ये लेटेस्ट न्यूज़ है। और मैं बताता हूँ इसमें लिखा क्या है। फाउंडेशन लेट फॉर एडिशनल फैसिलिटीज़। मिनिस्टर फॉर हेल्थ एन मोहम्मद फारूक ऑन सैटरडे लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू बिल्डिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस ऑन द प्रीमाइसिस ऑफ द अनंतपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंडर अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू एनहेंस द नंबर ऑफ MBBS सीट्स इन द कॉलेज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 100 to 150। तो इसमें 100 सीट्स थी मेडिकल की और इसको 150 कर दिया गया है, यानी कि 50 सीट्स इसमें बढ़ा दी गई है। अगर आप आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं और आपके पास डोमिसाइल बना हुआ है आपका, तो आप 85% स्टेट कोटा के लिए आपका एडमिशन इसके लिए आपके थोड़े चांसेस बढ़ गए हैं अगर आप आंध्र प्रदेश से ही हैं और अनंतपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपके थोड़े चांसेस बढ़ गए हैं। और 85% वालों के लिए तो और ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अगर उनका डोमिसाइल है तो वो उनकी थोड़ी कट ऑफ सीट इंक्रीज़ हुई है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी कट ऑफ नीचे जाएगी, जैसा कि मैंने अपनी कट ऑफ अफेक्टिंग फैक्टर्स वाली वीडियो में बताया था। तो हम इसमें पढ़ते हैं आगे लिखा क्या है इसमें। द प्रपोज 11,972 स्क्वायर मीटर बिल्डिंग विल हैव एडिशनल स्पेसेस फॉर मेंस एंड वुमेंस हॉस्टल एंड एडिशनल हॉस्पिटल ब्लॉक क्लासरूम्स एंड अ लाइब्रेरी। तो इसके साथ ही एक सीट्स तो इंक्रीज़ हुई हैं, उसके साथ साथ और क्या क्या इंक्रीज़ हुआ है। एडिशनल स्पेस बनेगा मेंस और वुमेंस हॉस्टल के लिए, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए एडिशनल हॉस्पिटल ब्लॉक भी बनने वाला है और क्लासरूम और लाइब्रेरी भी इंक्रीज़ होगी, यानी कि वो भी बनेंगी नई बिल्डिंग में। तो गाइस, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है सारे स्टूडेंट्स के लिए, नीट के स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। और जैसा कि मैं आपको बोलता रहता हूँ कि सारी अपडेट्स हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है रेगुलरली, तो ऐसी फर्दर सारी अपडेट्स के लिए नीट से जुड़ी हुई, रिजल्ट से जुड़ी हुई, हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी हमारी नोटिफिकेशन आए, अपडेट आए तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।